आज हम सीखने जा रहे हैं मास्टर मेथड। मास्टर मेथड हमारी रेकरेंसेस को सॉल्व करने के लिए एक अल्टीमेट मेथड है। हमने पिछली बार देखा था कि सब्स्टिट्यूशन, रिकर्शन, ट्री, इटरेशन मेथड एंड बहुत सारे अदर मेथड्स जितने भी देखे थे, ये उन सब में से बेस्ट है, क्योंकि इसके सिर्फ तीन केसेस होते हैं जो कि आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, और उन तीन केसेस में ही जो सॉल्यूशन होता है वो बाउंडेड होता है। तो हम एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं अब इसको। फर्स्ट केस, पहले मैं आपको केस लिख देता हूँ कि केस होते क्या हैं। अगर हमारा रेकरेंस टी ऑफ एन इक्वल टू ए टी ऑफ एन बाय बी प्लस एफ ऑफ एन, ये क्वेश्चन गिवन होगा इस फॉर्म में, ये फर्स्ट केस में ही है, सॉरी, इस केस इस टाइप का क्वेश्चन गिवन होगा, तो हमें सबसे पहले हमारी जो अप्रोच रहेगी वो ये होगी कि हम n की पावर log टू द बेस b ऑफ a फाइंड करेंगे। ये जो भी आएगा वो बात की बात, लेकिन हम ये फाइंड करेंगे। और फर्स्ट केस हमारा क्या होगा, अगर हमारा जो फंक्शन है f ऑफ n, यानी कि जो रिकर्शन ट्री में रूट नोड हुआ करती थी, याद है ना, ये वही f n है। अगर हमारा जो f n है वो बिग ऑफ n टू द पावर log टू द बेस बी ए माइनस कोई थीटा ले लो, चलो थीटा तो हम यूज़ करते हैं, तो अल्फ़ा ले लो, अल्फ़ा। बुक्स के अंदर आपको एप्सिलॉन दिया होगा, लेकिन ये बुक नहीं है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं अल्फ़ा लेके चलता हूँ। तो इस फॉर्म में गिवन होगा, तो हमारा जो टी एन होगा वो क्या होगा, बिग थीटा ऑफ एन टू द पावर log टू द बेस b ऑफ a, ये होगा। तो ये फर्स्ट केस है। अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें एक रेकरेंस के बारे में टी ऑफ एन इक्वल्स 9t n/3 प्लस n है, सॉरी। तो इस क्वेश्चन में हमारा a क्या है, देखिए इस फॉर्म से कंपेयर कीजिए इसको, a है 9, n ओवर b, तो b क्या है 3, और fn क्या है, सिमिलरली ये जो fn है ये हमारा हो जाएगा n। यहाँ तक समझ आ गया ना, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था हमें फाइंड करना है n टू द पावर log टू द बेस b ऑफ a, तो ये क्या होगा, n तो हमें गिवन नहीं है, तो इसलिए n टू द पावर log टू द बेस b ऑफ a क्या होगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से log टू द बेस 3 ऑफ 9, 9 को लिख सकते हैं 2 log 3, और बेस क्या रहेगा 3, क्योंकि वो तो वही था। अब log a टू द बेस a क्या होता है 1, तो ये कट जाएगा, तो ये इससे हमारा आंसर आ गया n स्क्वायर। ओके, दिस इज आवर टी ऑफ n, सो कैन वी मॉडिफाई आर एफ ऑफ n इन दिस फॉर्म, यस वी कैन, सी हाउ वी कैन डू दैट। सो इट इज बिग ओ ऑफ n टू द पावर 2 - 1, लिख सकते हैं ना, n स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं आप मेरे को बताओ, n को लिख सकते हैं n टू द पावर 2 - 1, जिसमें हमारा n की पावर ये है। तो आप ध्यान से देखिए कि ये फर्स्ट वाला केस हमारा फॉलो हो रहा है, कि अगर हमारा f ऑफ n जो कि इसमें n है वो बिग ओ ऑफ n टू द पावर log a टू द बेस b माइनस अल्फ़ा होगा, जिसमें हमारा अल्फ़ा 1 है, तो इसके हिसाब से हमारा टी ऑफ एन क्या होगा, बिग थीटा ऑफ एन टू द पावर लॉग बी ए, यानी जो हमने निकाला है एन स्क्वायर्ड। तो इससे हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये तो था हमारा फर्स्ट केस जो कि था बहुत इजी। अब आते हैं सेकंड केस के ऊपर। सेकंड केस क्या है हमारा, अगर हमारा जो एफ ऑफ एन है यानी कि रूट नोड, वो बिग थीटा ऑफ एन log b a है, तो हमारा t ऑफ n क्या होगा, हमारा t ऑफ n होगा बिग थीटा ऑफ n टू द पावर log टू द बेस ऑफ b a इंटू log n। तो चलिए इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, यानी कि एग्जांपल। मान लीजिए हमारा जो t ऑफ n है
वो गिवन है टी ऑफ 2n/3 प्लस 1। ओके, तो हम इसमें ए क्या विजुलाइज कर पा रहे हैं, ए हमारा 1 है, बी क्या है, इसको ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 3/2, और यहाँ से हटा दो इसको, जिससे कि फॉर सिंप्लीफिकेशन तो बी हमारा बन जाएगा 3/2, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, एफ ऑफ एन क्या है इस क्वेश्चन में 1। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एन टू द पावर लॉग टू द बेस पी ऑफ ए, वो क्या होगा एन टू द पावर लॉग 1 टू द बेस 3/2। लॉग 1 है, बेस चाहे कुछ भी हो क्या होता है, लॉग 1, चलो मैं इसको ऐसे लिख के दिखा देता हूँ, लॉग 1 बेस टू द पावर 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है लॉग ए टू द बेस बी को हम लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन लॉग बी विद सम अदर बेस, लेस लेट दिस बेस बी 10, और इट जस्ट डोंट मेंशन इट, इट इज़ जस्ट लाइक दिस। सो लॉग 1 इज 0, 0 अपॉन एनीथिंग, दिस इज सम डिफरेंट वैल्यू अपॉन एनी नोन वैल्यू इज 0। तो हमारा आ गया एन की पावर 0 जो कि है 1। ठीक है, अब हमारा एफ ऑफ एन क्वेश्चन में 1 है, और हमारा एन की पावर लॉग टू द बेस पी ऑफ ए ये भी 1 है, तो क्या हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एन इक्वल टू एन की पावर लॉग टू द बेस पी ऑफ ए। यही हमारा सेकेंड केस कहता है, केस टू क्या कहता है, केस टू कहता है अगर हमारा एफ ऑफ एन बिग थीटा ऑफ एन टू द पावर लॉग बेस बी ए है, जो कि इस केस में आ रहा है एफ ऑफ एन, यही आ रहा है हमारा, तो हम लिख सकते हैं टी ऑफ एन इक्वल टू बिग थीटा ऑफ 1, क्योंकि हमारा एन लॉग बेस बी ए ये 1 आया है, इंटू लॉग एन। तो हमारा आंसर क्या आया, बिग थीटा ऑफ लॉग एन। देखिए कितना इजी है, मास्टर मेथड ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको केसेस ध्यान में रखना है। तो बात है हम अपने थर्ड एंड लास्ट केस पे, ये केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन देख के आपको पता लग जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि ये केस 3 ही जा रहा है हमारा। चलो इसका केस पढ़ते हैं, केस 3 क्या है, अगर हमारा एफ ऑफ एन बिग ओमेगा ऑफ एन लॉग टू द बेस पी ए प्लस कुछ अल्फ़ा वैल्यू है, वही अल्फ़ा वैल्यू है जो हमने आपको फर्स्ट केस में बताई थी, इसमें माइनस था, इस वाले केस में प्लस में मिलेगा, तो हमारा और एक और कंडीशन चेक करनी होती है इसमें हमें, कंडीशन वो है अगर ये चीज़ हमें आ रही है तो हम चेक करेंगे ए एफ ऑफ एन बाय बी ये हमेशा लेस देन इक्वल टू सी ऑफ एफ एन होगा। एक तरीके से इस क्वेश्चन को देखा जा सकता है कि ये बिग ओमेगा बिग ओ नोटेशन है, इसमें हमारा एफ ऑफ एन बाई बी बिग ओ ऑफ एफ ऑफ एन है, तो ये केस वही है। क्योंकि उसमें भी यही कंडीशन होती है एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू सी जी एन। तो अब इसके अंदर यही कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो टी ऑफ एन है वो क्या होगा, वो इस केस से निकल के आएगा। इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो सी की कुछ वैल्यू आएगी जिससे कि हम बता सकते हैं कि हमारा टी ऑफ एन हमारा बिग थीटा ऑफ एफ ओ वन होगा फॉर सम सी। तो आइए इसके ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है लेट अस से टी ऑफ एन इक्वल टू 3t n by 4 प्लस n log n। मैं थोड़ी सा जुकाम है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में जब तक आया तब तक कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ आर इज टू डिटरमाइन व्हाट इज a इज 3, b इज 4 एंड f ऑफ n इज n log n, देन वी विल फाइंड n to the power log to the base p of a and there is n to the power log to the base 4 3। अब देखिए log की कुछ ऐसी वैल्यू आई है जो कि हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, जनरली कैलकुलेटर की नीड होगी ही होगी, जैसे यहाँ पर 9 होता था तो 3 होता था तो वो कट जाता था, या फिर कोई ऐसी वैल्यू हो जाती थी, कुछ n की वैल्यू आती थी या तो 0 आती थी या फिर कुछ 2 3 आती थी, लेकिन इसके अंदर ऐसी
डेसिमल वैल्यू आएगी, क्योंकि ये जो सॉल्व करने पे आएगा वो डेसिमल वैल्यू होगी। तो हम एक तरीके से डिटरमिन कर सकते हैं कि केस थ्री ही जाएगा हमेशा। तो चलिए इसको हम कैलकुलेटर से, हमारे पास सॉल्व रिजल्ट पहले से ही पड़ा है, तो हम इसको लिख देते हैं 0.793। ये आप सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। चलिए तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारा एफ ऑफ एन जो है वो क्या है, एन लॉग एन। तो अभी हमने खाली ये वैल्यू निकाली है, अब हम एक एस्टिमेट मानते हैं कि ये निकलेगा ही निकलेगा। तो हम एक कंडीशन चेक कर लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में बताई थी, ए एफ एन बाई बी लेस देन इक्वल टू सी इंटू एफ एन। वो कंडीशन क्या थी हमारी, ए क्या है इसमें 3 इंटू एफ ऑफ एन, क्या है एन तो एन ही है, बी है हमारा 4 इज़ लेस देन इक्वल टू सी टाइम्स एफ ऑफ एन। अब एफ ऑफ एन की वैल्यू एन लॉग एन है, तो हम यहाँ पर एन लॉग एन एफ ऑफ एन बाई 4 निकालते हैं। पहले होता क्या है, एन बाई 4 लॉग एन बाई 4 यही होगा, एन की वैल्यू एन बाई 4 जब रखेंगे, और एफ ऑफ एन तो हमारा है ही एन लॉग एन। तो इस कंडीशन में हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, तो ये होगा 3 टाइम्स एन बाई 4 लॉग एन बाई 4 लेस देन इक्वल टू फॉर सम कॉन्स्टेंट सी टाइम्स एन लॉग एन। अब आप देख रहे हैं एन से एन कट गया, 3/4 है, तो फॉर ऑल सी इक्वल टू, अगर हम सी को 3/4 ले लेते हैं तो ये 3 और 3/4 इधर से भी कट जाएगा, तो इस सी को अगर हम 3/4 ले लेते हैं तो हम कह सकते हैं फॉर ऑल सी इक्वल टू 3/4 लॉग 4 होगा ना, क्योंकि ये लॉग एन बाय लॉग 4। चलो मैं इसको एक बार सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, ये होगा 3/4 एन लॉग एन बाय 4 log n by 4 को हम लिख सकते हैं log n by log 4, log 4 एक कांस्टेंट है, तो 3/4 log 4 ये हमारा पूरा कांस्टेंट बन गया, लेस देन इक्वल टू c n log n, n से n कटा, 3/4 log 4 ये हमारा एक कांस्टेंट है, 3/4 log 4 हमारे c की वैल्यू है तो ये कट जाएगा। फॉर c इक्वल टू 3/4 ln 4 मतलब नेचुरल log है log 4, वी कैन से दैट log n इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू n। तो हम कह सकते हैं हमारा जो टी ऑफ एन है वो ये, क्योंकि ये वेरीफाई हो गया है तो इसलिए ये वाला जो पॉइंट है कहाँ गया, ये रहा एन टू द पावर 0.393। हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एन इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ एन टू द पावर लॉग टू द बेस बी ए प्लस सम अल्फा वैल्यू, जो कि हमारी 0.2 आई है इस केस के हिसाब से। तो हम लिख सकते हैं टी ऑफ एन इज इक्वल टू बिग थीटा ऑफ एन लॉग एन, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फंक्शन आ रहा था एफ ऑफ एन वो है एन लॉग एन। एंड दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू। कोई भी अगर डाउट आता है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या समझ में क्या नहीं आ पाया। अगले आने वाले लेक्चर्स में हम और एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर मास्टर मेथड। मैंने बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज यूज़ करी है जिससे कि आप लोगों को समझ आए कि मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल भी घबराइएगा मत, बहुत इजी है मास्टर मेथड। इसके क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर्स में भी सॉल्व करेंगे, और अगर आपको लगता है कि मेरे एक्सेंट की थोड़ी प्रॉब्लम है या फिर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, यू शुड बी मोर कम्फर्टेबल विद इंग्लिश लैंग्वेज, सो इट इज़ नॉट द केस दैट आई ओनली नो हिंदी लैंग्वेज, बट फॉर द ease of understanding this particular lecture I am using Hindi language, so please do mention in the comment section below that if you want me to speak in English I can easily speak, as you can see. So thank you, please write down in the comment section below, thank you.